जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज मुनिवर श्री विराट सागर जी महाराज की। अभी तक आचार्य मानतुंगा भगवान की स्तुति इस मनोभाव से कर रहे थे कि प्रभो आपकी स्तुति भाव हर है, जो आपकी शरण में आता है उसका भाव समाप्त हो जाता है। भक्त अमर के अंतिम पदों में कहते हैं प्रभु भाव हर ही नहीं भय हर भी है। आपका भक्त जो आपकी स्तुति और वंदना में लवलीन होता है वो सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है, उसके मन में किसी प्रकार का भय नहीं होता, वो अभय होता है। और वो कह रहे हैं कि भगवान भाव हर करने के लिए मैं स्तुति करना भी नहीं चाहता। ओ भाव हरने के लिए मैं स्तुति करने के लिए भी खड़ा भी नहीं हूं, मैं तो ये चाहता हूं कि अभी भय खत्म हो जाए। मैं आपसे पूछता हूं भगवान की भक्ति किस लिए करते हो, भाव हरने के लिए या भय हरने के लिए? क्यों करते हो? भाव हरने के लिए, है ना? तो भाव हरने के लिए मतलब समझ गए, अभी कल्याण करना पड़ेगा। तैयार हो? अभी कल्याण की बात आएगी, अभी तरना होगा। आचार्य मन तू कहते भगवान अभी मुझे नहीं चाहिए, अभी मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे केवल भक्ति चाहिए और जीवन की आखिरी सांस तक आपकी भक्ति। ऐसी भक्ति कि मन में कोई भय ही ना हो, कोई चिंता ना हो, कोई संताप ना हो, कोई खेद ना हो, कोई तनाव ना हो, मुझे वो भक्ति चाहिए। मुक्ति तो जब मिलनी होगी अपने आप मिल जाएगी। प्रभु मैंने एक बात जाना है, जो आपकी शरण को पा जाता है या जो अपने हृदय में आपको बिठा लेता है, मुक्ति में उसकी सीट तो अपने आप सुरक्षित हो जाती है, उसकी चिंता क्या है। और मुझे मुक्ति की कोई चिंता नहीं और कोई परवाह नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है। आपने पहले ही लाइव शब्द में कह दिया, अच्छा जो भक्त बनता है वो अमर बनता है, अमर होना यानी मोक्ष पा जाना। मैं भक्त बना हूं, मुक्ति मुझे मिलेगी ही मिलेगी। प्रभु मुक्ति जब मिलनी होगी मिलेगी, पर अभी तो भय से मुक्ति चाहिए। और मैंने पाया है कि आपकी शरण में आने वाला भय मुक्त तत्क्षण हो जाता है। मुक्ति तो आयु पूरी होने के पहले नहीं होगी, मुक्ति तो तब मिलेगी जब उस प्रकार की पात्रता और योग्यता आत्मा में प्रकट होगी। जब तक द्रव्य छेद काल भाव की उपलब्ध अनुकूलता नहीं होती तब तक आत्मा परमात्मा नहीं बनता। द्रव्यादि स्वादु संपत्तो आत्मा अपि आत्मता मता, वो जब आएगा तब आएगा, उसका वक्त आएगा, उसका समय आएगा, वो संयोग अनुकूल बनेंगे तब मुझे मुक्ति मिलेगी। पर मैं निश्चिंत हूं मुक्ति तो मेरी होनी है, मुझे उसकी रंच मात्र भी शंका नहीं है, मैं बेफिक्र हूं, मुझे परवाह नहीं। प्रभु मुक्ति मिलेगी, पर मुझे ये पता है उसके लिए मुझे थोड़ा समय बिताना होगा। पर भय मुक्ति तो अभी तत्काल हो रही है। वो मुक्ति जब देह मुक्ति होगी तो होगी, पर भय मुक्ति तो तत्क्षण हो जाती है। जो सच्चे अर्थों में भगवान का भक्त बन जाता है उसके मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं समाता। विगत दिनों में हमने कहा था शिविर से पहले कि भगवान आपकी भक्ति करने वाले को हाथी का भय नहीं होता, क्रूर शेर का भी भय नहीं होता। और मैंने साथ साथ ये भी आपको बताया था
कि हाथी ये बाहर का हाथी नहीं, भीतर का हाथी है। शेर ये बाहर का शेर नहीं, भीतर का शेर है। कदाचित बाहर के हाथी से कोई कुचल दिया जाए, ऐसा हो सकता है, लेकिन प्रभु जिसके हृदय में आप विराज जाते हो, उसके अंदर मान और काम का हाथी खुद कुचल जाता है। वो शांत हो जाता है, वो कुछ नहीं कर पाता। उसके लिए क्रूरता का शेर कुछ नहीं कर पाता, वो शांत हो जाता है। उसका शौर्य प्रकट होता है, कौर्य खो जाता है। शेर में दोनों प्रकार के गुण होते हैं, शूरता भी है और क्रूरता भी है। सामान्य व्यक्ति के लिए शेर की क्रूरता का शिकार होना पड़ता है, पर प्रभु जो आपकी शरण में आ जाता है, उसके भीतर आपके अपने भीतर की क्रूरता हमेशा हमाशा को समाप्त होती है और शूरता अपने पूर्ण प्रखरता के साथ प्रकट हो जाती है। अब आगे उसी बात को बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि प्रभु लोक में जितने भी प्रकार के भय है वो आपके भक्त के सिवा सबको हो सकता है, आपके भक्तों के लिए नहीं होता। अब अग्नि भय की बात कर रहे हैं। कल्पांतिकाल पवनोद्धत वह्निकल्पम्, दावानलं ज्वलित मुज्ज्वल मुत्स्फुलिंगम्, विश्वं जिघत्सुमिव सम्मुखमापतन्तम्, तन्नाम कीर्तन जलं समयत शेषम्। प्रभो आपके नाम स्मरण की महिमा को मैंने क्या महसूस किया है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। कल्पांत काल पवनोद्धत, कल्पांत काल यानी प्रलय कालीन, पवन यानी आंधी से उद्धत यानी ज्वाजल्यमान, वन्नी कल्पम यानी अग्नि के समान। अग्नि को हवा मिल जाए तो लपटे आसमान छूने लगती है, और प्रलय कालीन आंधी चले तो कल्पना कर सकते हैं क्या होगा। ऐसे दावा नलम, ऐसे दावा नल को, दावा नल किसको कहते हैं, जंगल की आग को, ज्वलितम उज्ज्वलम उत्स्फुलिंगम, ज्वलितम उज्ज्वलम जो एकदम ज्वाजल्यमान है, दहक रहे हैं, उत्स्फुलिंगम जिससे चिंगारियां निकल निकल कर आसमान को छू रही है। विश्वम जिघत्सुमिव सम्मुख आपतंतम, सम्मुख आपतंतम विश्वम जिघत्सुम इव, सम्मुख आपतंतम जो सामने आ रहा है उसे विश्वम यानी पूरी तरह जिगुत्सुमिव निगल जाने की तरह, ऐसी प्रचंड दावाग्नि जो प्रलयकालीन वायु से संप्रेरित है, जिसकी लपटे आकाश को छू रही है, चिंगारियां चारों तरफ फैल रही है, और जो सामने आए उसे पूरी तरह जो भस्म करते जा रही है, ऐसी प्रचंड अग्नि भी त्वत् नाम कीर्तन जलम, त्वत् नाम कीर्तन जलम यानी त्वत् आपके नाम रूपी कीर्तन के नाम कीर्तन रूपी जल से, अशेषम समयति
आपके नाम कीर्तन रूप जल उसे अशेषम यानी पूरी तरह सम्यति अर्थात बुझा देता है। ऐसी प्रचंड अग्नि भी आपके नाम कीर्तन से बुझ जाती है। बातें सुनने में कुछ अति रंजना भरी लगती होगी, सामान्य सी अग्नि होती है, एक फूंक से बुझ जाती, दिया सलाई को बुझाने के लिए फूंक चाहिए, थोड़ी ज़्यादा अग्नि हो तो एक दो लोटा पानी डाल दो तो बुझ जाती है, और ज़्यादा अग्नि हो तो आपको पंप लगाना पड़ता है, और ज़्यादा अग्नि है तो आपको दमकल बुलाना पड़ता है, पर जंगल की आग हो तो बारिश की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अभी कुछ दिनों पहले उत्तराखंड में कितनी प्रचंड आग लगी, जब तक वर्षा ना हो तब तक वो आग नहीं बुझ सकती। आचार्य मान तुम कहते कि भगवान आपके नाम कीर्तन में इतना दम है कि वो प्रचंड अग्नि भी पल में बुझ जाती है। बंधुओ, मुझे पता नहीं कि नाम स्मरण से अग्नि बुझती है या नहीं बुझती, लेकिन मैं एक अनुभव आप सबको बताना चाहता हूँ। सन 2005 में रांची में पंच कल्याणक महोत्सव हो रहा था, हमारे ही सानिध्य में था, मोक्ष कल्याणक का समय था, मंच पर कैलाश पर्वत बनाया गया रुई का, और जैसा प्रतिष्ठाचार्य लोग अग्नि कुमार देवों से अग्नि संस्कार करते हैं तो वो 20वीं शताब्दी की टेक्नोलॉजी, मुकुट में तार बांधते हैं, तार में कपूर का टुकड़ा लगाते हैं और उसको जलाते हैं, वो जो भगवान के संस्कार का स्थान था वो और पर्वत में 2 फुट का गैप था। एक भाई ने अग्नि जलाई और उसके बाद मुकुट हिला तो वो कपूर उचट करके रुई पे लग गया। फिर क्या था, एकदम से आग भभक पड़ी, लपटे उठने लगी और विडंबना, पहाड़ भी कुर्सियों का बना था प्लास्टिक की, सब एकदम स्तब्ध रह गए, किसी को कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ, लपटे इतनी कि एकदम ऊपर जो सीलिंग थी ना उससे समझ लो 1 आध फीट ही नीचे थी। अशोक नगर के स्वयं सेवक वहां थे और मैंने बस थोड़ी देर पहले शांति धारा ही कराई थी, उसके बाद मोक्ष हुआ। शांति धारा का गंधोदक एक टंकी में पड़ा हुआ था, लड़कों ने आनन फानन उस टंकी के जल को उसमें डाला, आग बुझ गई और लोगों ने सोचा कि ये तो निर्वाण कल्याणक की क्रिया का ही एक पार्ट है। सेकेंड में मैं आंखों देखी बात बताता हूं। तो ये शांति धारा का प्रभाव, लोगों की सूझबूझ का प्रभाव, अग्नि भयावह है, अग्नि हमारे लिए काल का प्रतीक बन जाता है। और देखिए कैसी विडंबना है, एक तरफ लोग अग्नि को देवता मानते हैं, एक परंपरा में अग्नि की पूजा भी होती है, अग्नि ना हो तो तुम्हारे घर का चूल्हा भी ना जले, और दूसरी तरफ अग्नि सर्वनाश भी करती है। ये बाहर की अग्नि है। आचार्य मान तुम कहते हैं कि प्रभो बाहर की अग्नि से जला हुआ व्यक्ति अगर जाएगा भी तो केवल उसका जीवन बर्बाद होगा, बाहर का हाथी मारेगा तो 1 जन्म, बाहर का शेर मारेगा तो 1 जीवन, अब बाहर की अग्नि अगर समाप्त करेगी तो 1 जिंदगी स्वाहा होगी, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं। हालांकि ऐसा कहा जाता है और मैंने एक जगह पढ़ा था कि कहीं अग्नि कांड हो और उसमें जन हानि न हो, ये निमित्त शास्त्र की बात मैं कर रहा हूँ, अग्नि कांड हो
और जनहानि न हो तो विनाश विकास की गाथा लिखती है। ताली मत बजाओ, इसको समझो। अग्नि कांड हो और उसमें जनहानि न हो तो विनाश विकास की गाथा लिखती। उसके बाद मैंने कई जगह ऐसा देखा भी। अशोक नगर में एक भाई है, उसके कपड़े की दुकान है, चार बार उसमें आग लग चुकी, चार चार मंजिलों में सब खाक हो गया, करोड़ों का माल, लेकिन हर बार उससे आगे बढ़ा है। इसके बाद मैंने और कईयों का अध्ययन किया, तो इसलिए अग्नि से ज़्यादा घबराना नहीं, फिर भी प्रिकॉशन रखना। बाहर की अग्नि से बचने का तो आप बहुत सावधानी रखते हो, घरों में फायर सेंसर रखते हो। आजकल तो ऐसे ऐसे डिवाइस आ गए हैं कि आग जलने के पहले ही सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। MCBs लगाए और फायर सेंसर्स लगा के रखते हैं। वो अग्नि से आप पूरी तरह सावधान रहते हो, क्योंकि अग्नि अगर नियंत्रणहीन हो जाए तो सब स्वाहा कर दे। पर मैं कहता हूँ, आचार्य मानतुंग ने जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। इसका संबंध बाहर की अग्नि से कम, भीतर की अग्नि से ज्यादा है। भगवान का नाम स्मरण करने से बाहर की अग्नि बुझे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। भगवान का नाम स्मरण करने से अग्नि बुझे, इसकी कोई गारंटी नहीं, पर अग्नि बुझती है इसका पूरा दावा है। महाराज ये कैसी बात बोल रहे हैं, अग्नि बुझे इसकी कोई गारंटी नहीं, और ऊपर कह रहे हैं कि अग्नि बुझेगी इसका दावा है। मामला क्या है समझो। बाहर की अग्नि बुझे इसकी कोई गारंटी नहीं, पर भीतर की अग्नि बुझेगी इसकी पक्की गारंटी है। ये अग्नि कौन सी है? कषाय की अग्नि है। जिसके अंदर कषाय की अग्नि जा ज्वल्यमान है, भड़क रही है, अगर भगवान का नाम स्मरण रूप जल के दो छींटे उस पर पड़ जाए, पल में शांत होगी। जब भी तुम्हारे अंदर की कषाय बढ़ने लगे, भगवान का नाम लेना शुरू कर दो, कषाय शांत हो जाएगी। और किसी की कषाय अग्नि भड़की हुई है, वो तुम्हारे सामने आके खड़ा हुआ है, तुम भी प्रतिवाद करना बंद कर दो, भगवान का नाम लेना शुरू कर दो, कषाय शांत हो जाएगी। नाम लेना शुरू कर दो, कषाय शांत हो जाए, लेकिन ध्यान रखना मन ही मन लेना, नहीं तो और फायर हो जाएगा सामने वाले। आपके नाम स्मरण से बहुत फर्क पड़ता है। और एक बात बताऊं, इसका संकेत आचार्य ने दिया है, प्रलयकालीन वायु के द्वारा प्रेरित अग्नि है ना। शब्द क्या दिया? कल्पांत काल पवनोद्धत। ये कल्प शब्द विकल्प का द्योतक है। हमारे मन के संकल्प विकल्प की वायु से जो प्रचंड रूप ले रही है, ऐसी कषाय अग्नि जो हमारी आत्मा को समूचे लील लेती है, वो कषाय अग्नि प्रभो आपके नाम कीर्तन रूप जल से पल में बुझ जाती है। है इसमें कोई संशय? नहीं है। चलिए आगे। अब सांप का भय, सांप को काल का प्रतीक माना जाता है। लोग देखते हैं तो सांप देखते ही घबरा जाते हैं, और इसी कारण लोग सांपों को मारने भी लगे। आज सांप की कई प्रजातियां नष्ट हो गई। भगवान आपके नाम स्मरण से सांप का भी कोई असर नहीं होता। देखिए, रक्ते क्षणम समद कोकिल कंठ नीलम, क्रोधोद्धतम फनिन मुत्फन मापतंतम,
आक्रामति क्रम युगेन निरस्त संकस तन्नाम नाग दमनी हृदय पुंस हे प्रभु यस्य पुंसा जिस पुरुष के हृदय हृदय में तन्नाम नाग दमनी आपके नाम रूप नाग दमनी होती नाग दमनी एक जड़ी होती कहते उस जड़ी हमने देखी तो नहीं है सुनी लेकिन ऐसा कहा जाता है ये जड़ी होती है इस जड़ी को जो हाथ में रख लेता है उसकी गंध से नाग मदहोश हो जाते हैं तो वो काटते नहीं एकदम सरेंडर हो जाते हैं तो नाग दमनी पता नहीं सांप को सरेंडर करती है या नहीं करती पर आचार्य मंत कहते हैं कि प्रभु आपके नाम को मैंने एक ऐसे नागदमनी के रूप में देखा है जो इस सर्प को एकदम शांत और निश्चेष्ट कर देती है रक्ते क्षणम जिसकी आंखें लाल है समद कोकिल कंठ नीला मद सहित कोयल के कंठ की तरह जो नीला यानी एकदम काला है क्रोधोद्धतम फनिनम फनम उत्पतंतम वो फनी कैसा जो क्रोध फनी यानी सर्प जिसके पास फन हो उसको बोलते फनी क्रोध से जो उद्धत है और अपने फन से जो उत्पतंतम यानी फुत्कार मार रहा है ऐसा फनिन मुत्फन मापतंतम आक्राम अति क्रम युगेन निरस्त संकर अपने दोनों क्रम युगेन चरणों से उस सांप को भी निरस्त संकर निश्चिंत होकर के जिसके पास आपके नाम की नागदमनी है पार कर जाता है और सर्प उसका कुछ नहीं करता सांप बहुत खतरनाक होता है एक बार काट खाए ऐसा कोबरा तो किसी को बचने ही ना दे लेकिन भगवान के नाम के स्मरण से वो कैसे शांत होता दो अनुभव आपको बताता हूँ एक बार मैं शौच के लिए जा रहा था खेत की मेड़ से जा रहा था एक खेत को क्रॉस करके दूसरी खेत में मुझे जाना था रास्ते में मुझे एक सांप दिखा करीब 5 फुट लंबा होगा कोबरा काला मुझे देखा फन ऐसे फैला लिया मैंने उससे कहा भैया मुझे कुछ तुमसे कोई तकलीफ नहीं है तुम्हें भी मुझसे कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए मुझे आगे जाना है रास्ता दे दो रास्ता क्यों रोके हो और संस्कार बस ये छंद मुख से निकल गया रक्ते छनम समद कोकिल कंठ नीलम क्रोधोद्धतम फणिनम उत्पन्नम आपतंतम आक्रामति क्रम युगेन निरस्त संकस्तन नाम नाग दमनी हृदयस्य पुंस मेरा ये छंद पूरा नहीं हुआ उसने फन समेटा धरती को प्रणाम किया और वापस चला गया जब चला गया हम निकल गए दूसरा केस महाराज जी के साथ उदयपुर में घटा उदयपुर में आपात स्थिति में जो शौच जाने की एक जगह बनी थी उस जगह में एक सांप घूमता रहता था लोगों ने क्या रखा था इधर सांप घूमता वो भी कोबरा ही था 4-1 फुट का होगा 4 फुट का था अब महाराज जी को दोपहर में प्राय जाना पड़ता है वो गए देखे तो सांप वहां बैठा महाराज जी ने बताया कि मैंने सांप को देखा गया भैया चौमासा करना है तुम भी आराम से रहो हमें भी आराम से रहने दो अगर कोई चक्कर पड़ गया तो मुश्किल हो जाएगी तुम्हें भी हमें भी तो भैया कोई ठिकाना ढूंढ लो महाराज ने इतना कहा चुपचाप उसके पहले तो मोर्चा साधा हुआ था चुपचाप शांत हो गया नमस्कार किया और फिर उसके बाद दोबारा वो सांप कभी नहीं दिखा एक बात मैं आप सबसे कहता हूं सांप उतना खतरनाक नहीं है सांप से ज्यादा खतरनाक आदमी
सांप दो ही स्थितियों में अटैक करता है, या तो उसको असुरक्षा महसूस हो या पुराना वैर हो, ऐसे सांप नहीं छेड़ता। लेकिन आदमी उससे ज्यादा खतरनाक। 2013 में एक घटना सब जगह प्रकाशित हुई, उड़ीसा के भुवनेश्वर की घटना है, आप लोगों को याद आ जाएगी, अखबारों में छपी। एक शिव भक्त था, उसने सांप को पकड़ लिया और बार बार चूमे, सांप उसको गुस्से में काटे। वो कहे कुछ नहीं, ये तो शिव का प्रसाद है, ये तो शिव का प्रसाद है, ये तो शिव का प्रसाद है। करीब 40 मिनट तक वो सांप को चूमता रहा, चूमता रहा, चूमता रहा। उसके चूमने से सांप बार बार उसको डस रहा है, इस पर कोई अभी असर नहीं हुआ। अब पता लगा 40 मिनट बाद सांप मर गया और वो आदमी उसके 20 मिनट बाद मरा। सांप पहले मरा, आदमी 20 मिनट बाद मरा, मतलब सांप से भी ज्यादा जहरीला वो होगा। इसलिए किसी कवि ने बड़ी सार्थक बात लिखी, आदमी में इस कदर विष भर गया है, वंश सारा विषधरों का डर गया है। आदमी में इस कदर विष भर गया है, वंश सारा विषधरों का डर गया है। कल सुनेंगे आदमी के काटने से रास्ते का सांप कोई मर गया है। सांप का काटा आदमी बच जाए, आदमी का काटा बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सांप काट कर पलटता है और आदमी पलट कर काटता है। सांप काट के पलटता है, आदमी पलट कर काटता है। इसलिए ये सांप हमारे भीतर का जहर है, हमारे अंदर का क्रोध। ये सांप कौन है? ये क्रोध और लोभ का प्रतीक है। मनुष्य जब गुस्सा करता है तो उसके शरीर से जो रसायन निकलते हैं वो उसको खून को जहरीला बना देते हैं। क्रोध एक जहर है, सांप से भी खतरनाक। एक का पति बड़ा क्रोधी था, बहुत क्रोधी। एक रोज पत्नी ठीक रात के 12 बजे उठी और उससे कही लो दूध पी लो। 12 बजे उठी, कही लो दूध पी लो। उसने कहा गजब, आज ऐसा कैसा प्यार प्रकट हुआ है, रात के 12 बजे दूध पिला रही, ऐसा कैसा प्यार प्रकट हुआ रात के 12 बजे दूध पिला रही। उसने कहा छोड़ो प्यार व्यार को, सोचा आज नागपंचमी है, सांप कहाँ से ढूंढेंगे, तुम ही कर लो। है ना, ये जहर है, इस जहर को खत्म करो। क्रोध मनुष्य को जहरीला बनाता है, ये सांप है। चंड कौशिक सांप, सांप बहुत क्रोधी होता है, जो क्रोधी होता है वो सांप बनता है। भगवान महावीर के जीवन से जुड़ी घटना आप सबको पता है। एक चंड कौशिक नाम का सांप था जिससे भगवान महावीर के प्रेम ने शांत किया, पर पता है चंड कौशिक कौन था? ये चंड कौशिक पहले एक मुनि था और बड़ा क्रोधी था। महाराज मुनि भी क्रोधी होते हैं, मुनि क्रोधी नहीं होते, क्रोधी मुनि बन सकता? क्या बोला? मुनि क्रोधी नहीं होते, क्रोधी मुनि बन सकता है, और कई कई तो क्रोध में ही मुनि बन जाते हैं। एक व्यक्ति आया, महाराज हम तो आपके संग में रहना चाहते। बोले क्यों? बोले मेरे किसी से नहीं पटती। हम बोले तेरी यहां भी नहीं पटेगी, जा तो यहां आकर गंदगी फैलाएगा। तो हो जाता है, क्रोध में भी दीक्षा ले सकते। तो क्रोधी मुनि बन सकता है, मुनि क्रोधी नहीं बनता। वो कोई क्रोधी होगा, मुनि बन गया, तपस्या भी करता था। एक रोज चला जा रहा था, देखो दुर्गति कैसे होती है। उसके पांव के नीचे मेढक आ गया। शिष्य ने कहा गुरुदेव आपके पांव के नीचे मेढक आ गया। हाँ ठीक है, मैं अंधा हो गया, मैं देख के चलता हूं। फिर आगे बोला गुरुदेव आपके पैर के नीचे मेढक आया, मरा आप प्रायश्चित कर लो। वो शिष्य पर गर्म हो गया, तू मुझे सिखाता? बोले गुरुदेव मैं सिखा नहीं रहा हूं, आपको पाप से बचा रहा हूं। तीसरी बात बोला तो उसने अपना आपा खोल दिया, शिष्य को मारने के लिए दौड़ा।
और जब शिष्य को मारने के लिए दौड़ा तो अपने आप को बचाने के लिए शिष्य एक खंभे की ओट में छिप गया, और जैसी खंभे की ओट में छिपा गुरु उसी गुस्से में आकर उस खंभे से टकराया, उसका सिर फूटा, ऑन स्पॉट गया, क्रोध में मरा, मरकर चंड कौशिक सांप बना। ये क्रोध का प्रतीक है सांप, दूसरा लोभ का भी प्रतीक सांप है। अपन सुनते हैं घरों के नीचे खजाना पड़ा रहता, उसमें कौन बैठता है? जिंदगी भर जो व्यक्ति धन का लोलुप बनकर धन का संग्रह करता है, दूसरों का खून चूसता है, धन का सदव्यय नहीं करता, आसक्ति में जीता है, मर करके कहाँ क्या बनता है? तो क्रोध और लोभ दो सांप है हमारे भीतर। भगवान जो आपका भक्त बन जाता है, जिसके हृदय में आपके नाम की नाग दमनी होती है, उसके लिए सांप कुछ भी नहीं करता, उसका क्रोध भी शांत होता है और लोभ भी शांत होता है। इसमें कोई संशय है क्या? अपने क्रोध और लोभ को शांत करने की चेष्टा होनी चाहिए, वो अगर हमारे अंदर जग गई तो सब चीज़ें ठीक होगी। बंधुओं, आपदाएं विपदाएं तो आते रहती हैं, कर्म के उदय से सबके पास आपदा आती, सबके साथ आपदा आ सकती है। सामान्य आदमी आपदा से विचलित हो जाता है, पर जो सच्चा सम्यक दृष्टि है वो बड़े बड़े विपदाओं को भी झेल लेता है, वो भयभीत नहीं होता, विचलित नहीं होता। हाँ, कोई दूसरा विपदा में फंसा दिखे तो अंदर से द्रवीभूत हुए बिना नहीं होता। एक सम्यक दृष्टि की पहचान है जो स्वयं के बड़े बड़े कष्टों को बड़े आसानी से सहले और दूसरों पर आए हुए कष्टों को देखकर मोम सा पिघल जाए। बंधु, आज एक ऐसा अवसर, एक ऐसा प्रसंग बना जो पूरी की पूरी मानवता एक बड़ी त्रासदी के दौर से गुजर रही है। देश के एक बड़े हिस्से में बाढ़ है, कर्नाटक और महाराष्ट्र के कई जिले ऐसे हैं जिसमें बड़ी तादाद में लोग प्रभावित हुए। पिछले वर्ष केरल में भी था, हमने केरल के लिए लोगों से सहयोग के लिए अपील की थी, बहुत लोगों ने आह्वान किया था तो सहयोग दिया। आज तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा है, विपदा में फंसे उन लोगों की सहायता के लिए तुम क्या करने जा रहे हो, और उसमें तुम्हारे 50,000 से ज्यादा साधर्मी हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर और सांगली तथा कर्नाटक के बेलगांव जिले में जहां गुरुदेव का जन्म हुआ, वहां बहने वाले नदियों के तट पर बसने वाले गांव के गांव आज भी डूबे हुए हैं। लोगों में त्राही त्राही है, हजारों लोगों का घर बह गया, उनके पशु भर गए, महमे मवेशी चले गए, खेतों में खड़ी फसल नष्ट हो गई, घर में कुछ भी नहीं बचा। जो तन पर पहनने के वस्त्र आदि वो अपने साथ रखे थे, उनके अलावा कुछ नहीं। आज सब शरणार्थी बने हुए हैं, राहत शिविरों में हैं, लोग उनके सहयोग के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, शासन प्रशासन उनके सहयोग में आगे बढ़ा है, देश की अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है। पर मैं कहता हूं, जैन समाज का भी एक बहुत बड़ा दायित्व है कि ऐसे लोगों की सहायता के लिए आगे आए और अपने सम्यक दर्शन के वात्सल्य अंग का परिचय दे। हमारे यहां तो विपत्ति में फंसे हर व्यक्ति को सहयोग देने की बात की गई और पीड़ित की कोई जाति नहीं होती, हमें सबका सहयोग देना चाहिए। पर जब पीड़ित में कोई तुम्हारा अपना हो तो तुम्हारे लिए तो सहयोग में और आगे आना चाहिए। आप सबको बढ़ चढ़कर के हिस्सा लेना चाहिए। थोड़ी देर के लिए कल्पना करो कि उस त्रासदी के दौर में अगर गुजरने वाले लोगों में तुम होते तो तुम्हारे ऊपर क्या बीतती। आज तुम सक्षम हो, समर्थ हो, सब प्रकार की अनुकूलताएं तुम्हारे साथ जुड़ी है।
ऐसे कार्यों में अगर अपने धन का सदव्यय नहीं करो, उसका सदुपयोग न करो, तो ये किसी अर्थ का नहीं है। आचार्य शाल में आचार्य वीर नंदी ने बहुत मार्के की बात लिखी, जैना नाम आपद गतास्तस्मात् उपकुर्वन्तु सर्वथा यो समर्थोपि उपेक्षित स कथम समयी भवे। विपत्ति ग्रस्त प्राणियों का सब प्रकार से सहयोग करना चाहिए, जो समर्थ हो करके भी उनकी उपेक्षा करता है वो स कथम समयी भवेत, वो सच्चा जैनी नहीं है, वो सच्चा धर्मी नहीं है, ये समझ करके चलना चाहिए। आज तुम्हारे धर्मियों पर संकट है, तुम्हें दिल खोल कर उनके सहयोग के लिए हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि विगत रविवार को जब इसकी चर्चा की गई शाम के शंका समाधान में, उसी समय अनेक लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, और मैंने कहा था कि 51,000 से नीचे वाले की घोषणा मत करना। बहुत अच्छी राशि आई, तब से आज तक राशि की घोषणा आप सबके बीच की गई, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। लाखों लोग रोज सुनते हैं शाम को और सुबह, तुम रोज सुनते हो, तुमसे कभी एक रुपया का शुल्क नहीं लिया गया। तुम लोग आकर के कहते हो महाराज आपके संपर्क में आने के बाद जीवन बदल गया, मैंने आज तक तुम लोगों से कुछ नहीं चाहा, आज मैं पहली बार ये अपेक्षा रख रहा हूं कि तुमने जो सुना है और कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हो तो वो सारा ऋण इस मानवता की त्रासदी को मिटाने के लिए पूरा करो। जितने लोग इसको सुन रहे हैं, एक आदमी वंचित न रहे, अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुरूप अपनी दान राशि बताएं। जो नंबर चल रहे हैं आप उसमें केवल अभी अपने नाम की सूचना देंगे, अभी आपको राशि नहीं भेजना है, क्योंकि फॉर्मेलिटीज बहुत सारी है। ट्रस्ट कमेटी के लोग मुझे कहे कि महाराज हम एक अकाउंट उसका अलग बना ले ताकि वो राशि यहाँ से जाए और हमको सुविधा हो, और ये सारी राशि ऐसे नहीं लगेगी, वहाँ हमारे संघ के वरिष्ठ निर्यापक मुनिराज नियम सागर जी महाराज हैं, आगम सागर जी महाराज हैं, उनके मार्गदर्शन में तात्या ब्रह्मचारी आदि का पूरा स्वयंसेवी संगठन है, वीर सेवा दल है और संस्थाएं, उनके माध्यम से इसके पाई पाई का सही उपयोग होगा। ये राशि उनके द्वारा बताए गए रास्ते में खर्च की जाएगी, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं सोचना। जिन लोगों ने पहले चरण में अपना नाम दिया उन सबको मैं आशीर्वाद देता हूँ, क्योंकि कल मेरा मौन था और ज़्यादा जानकारी आ नहीं पाई भी, महाराज श्री से भी मुझे पता नहीं, महाराज श्री के पास भी कुछ संकेत आए, आज पूरी उसकी रूपरेखा बनेगी, उसकी आकलन किया जाएगा कि वहाँ जरूरत क्या है। और एक बहुत बड़ी त्रासदी है, तुम्हारे 10-20 हजार से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन हर आदमी अगर 10-10 हजार 5-5 हजार भी देगा तो कईयों का घर बस जाएगा, वो उठ करके खड़े हो जाएंगे। और ध्यान रखना, जो व्यक्ति विपत्ति में फंसे व्यक्ति का सहयोग करता है उसके जीवन में की विपत्तियां दूर भाग जाती है, ये प्रयास करो। इसलिए जितने लोग भी सुन रहे हैं, एक व्यक्ति भी वंचित न रहे, जो नंबर चल रहे हैं आप अपनी राशि की सूचना वहां दे, जिन भी माध्यमों से देना, अभी पैसा नहीं भेजना, क्योंकि हमने पता किया तत्काल में, अभी तो बहुत सारी व्यवस्थाएं वहां चल रही है, तात्कालिक रिलीफ है, हमें स्थायी रिलीफ देना है। जिनका घर बह गया उनको घर देना है, जिनके जीविका के साधन छिन गए उनके जीविका के साधन देने हैं, ताकि वो फिर से उठ करके खड़े हो सके और अपना सम्मानपूर्ण जीवन जी सके। आज मैं संपर्क करवा के पता लगाऊंगा कि वहाँ एक्चुअल में कितनी आवश्यकता है शाम के शंका समाधान में, और कल आप सबके बीच बात चलेगी। ये चर्चा अभी जारी रहेगी जब तक ये अभियान पूरा ना हो, इसलिए जो भी मैं कहता हूं विभिन्न समाजों के लोग एकत्रित करें अपने अपने तरफ से फंड, मंदिरों में और ट्रस्टों में जो पैसा है वो फंड अपना इकट्ठा करें, इस मंच से उन सब की घोषणा की जाएगी, और जो भी ये राशि यहां से देंगे उन सबका सत्कार यहां से किया जाएगा, ताकि लोगों को प्रेरणा मिल सके
और लोग आगे बढ़ सके इस कार्य में आगे आना चाहिए। कोई भी बचे नहीं, जैन समाज बड़ी उदार समाज है। हर समय जैन समाज जितना मंदिर और मूर्तियों के प्रति रुचिवंत रहती है, उतना ही मानवता की सेवा के लिए भी ऊंचा आदर्श उपस्थित करती रही है। तो हम ऐसे आदर्श को उपस्थित करें, यहाँ जो उपस्थित है वे अपनी राशि यहाँ देख सकते हैं, कमेटी के पास जमा भी करा करके उसकी रिसिप्ट ले सकते हैं, और आने वाले लोग जो हैं कल तक संभवतः इसकी व्यवस्था बन जाएगी, जिसकी सूचना आपको विभिन्न माध्यमों से मिल जाएगी, आप वहाँ राशि भेजेंगे और वो राशि पूरी तरह वहीं समर्पित होगी और इस मंच से घोषित किया जाएगा आपके द्वारा प्रेषित राशि का क्या उपयोग हुआ। आपको कोई संशय करने की बात नहीं है, इसलिए ऐसी त्रासदी में हर किसी को भागीदार बनना है। हम इस भावना के साथ अभी महाराज श्री मंगल भावना आप सबके बीच रखेंगे, अपनी बात को विराम देने जा रहे हैं। आप सब बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले, खुद आगे आए औरों को प्रेरित करें। अभी गोरक्षा के लिए लोगों ने बहुत योगदान दिया, लगभग 2 करोड़ रुपए की राशि इस मंच से गोरक्षा के नाम पे हो गई। तो गोरक्षा में जैसे आपने रुचि जगाई, ये तो मानवता की रक्षा है, इसमें भी पीछे हटने की जरूरत नहीं है, सबको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवत् श्री विद्यासागर जी महाराज की। जिन लोगों ने भी अपनी तरफ से दान राशि दी है, मैं उन्हें अपनी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा ये दान तुम्हारे जीवन की सुरक्षा का कवच बने और तुम्हारी बाहरी भीतरी समृद्धि का आधार बने। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवत् श्री विद्यासागर जी महाराज।